अभी हम चल रहे हैं NH-334 पर और ये रोड हमारी कनेक्ट करती है मेरठ और हापुड़ को, और इसी रोड पर आके हमारा गंगा एक्सप्रेसवे मिलेगा। ये जो गीटर्स वगैरह आप देख पा रहे हैं ये गंगा एक्सप्रेसवे के लिए ही बनाए गए हैं, और यहाँ कुछ चीज़ों को हटाया भी गया है कुछ दुकानों को, क्योंकि यहाँ पर उसका इंटरचेंज बनना है। और अभी हूँ मैं बिजोली गांव में, और ये जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यहीं से गंगा एक्सप्रेसवे इस तरफ आएगा और यहाँ से क्रॉस करता हुआ रोड के उस तरफ तक जाएगा जहाँ पर इसका एक इंटरचेंज होगा। फिर जो बिल्डिंग आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये असल में एक कॉलेज है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज बनने वाला है तो कॉलेज आ रहा था जिसको अब यहाँ से हटाया जाएगा। और अभी यहाँ पर सिर्फ वर्कर्स रह रहे हैं, यहीं पर एक भाई ने हमें ये बात बताई थी जो यहाँ पर फ़िलहाल वर्क कर रहे हैं। अभी एक्सप्रेसवे यहाँ से आगे इस रोड को क्रॉस करता हुआ यहाँ पर एक इंटरचेंज बनाएगा, और सामने जो गिडर्स आप देख पा रहे हैं ये भी गंगा एक्सप्रेसवे के हैं। अभी हम लोग चलेंगे वीडियो में आगे, और अभी हूँ मैं बिजोली गांव में, और आगे हम जाएंगे अतुला गांव तक जो कि हमारा 11 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस होने वाला है। और साथ ही मैं एक छोटी सी मैप की वीडियो आपके लिए स्क्रीन पर भी डाल दूँगा ताकि आप लोग देख पाएँ। तो फिलहाल आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो चालू है। लास्ट वीडियो मैंने इसे थोड़ा आगे से स्टार्ट की थी क्योंकि तब लास्ट टाइम मैं ये वाली वीडियो यहाँ से बना नहीं पाया था। अभी ये जो आप रास्ता देख रहे हैं लास्ट वीडियो मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी, कोई ज़्यादा बड़ा स्ट्रेच नहीं था ये, लेकिन फिर भी इस वाली वीडियो मैंने इसको कवर कर दिया है। और मैं जो पुरानी वीडियो है वो भी साथ में चलाता रहूँगा कि कितना कुछ अपडेट अभी तक हो चुका है काम, लेकिन इस बार मैंने रास्ता थोड़ा अलग चूज़ किया है, तो जैसे ही मैं सेम ट्रैक पर आऊँगा मैं वो वीडियो स्क्रीन पर दिखाऊँगा आप लोगों के लिए। तो वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो ये जो मेरे सामने आप कंस्ट्रक्शन वर्क देख पा रहे हैं यहाँ पर चल रहा है हमारे देश का सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन वर्क, जो एक्सप्रेसवे बनने वाला है गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है और ये मशीनें लगातार यहाँ पर काम कर रही हैं। यहाँ पर रोड को लेवल किया जा रहा है और जिस रास्ते पर अभी हम चल रहे हैं यहाँ पर तैयारी की जा रही है एक अंडर पास बनाने की, जहाँ से इस रास्ते के लिए एक अंडर पास दिया जाएगा जिसके ऊपर से होता हुआ एक्सप्रेसवे आगे जाएगा। ये यहाँ पर काम चल रहा है और ये मशीन यहाँ पर उस अंडर पास को बना रही है, और यहाँ पर भी मिट्टी को डाल के काफ़ी सारी लेवल का काम कर दिया गया है, मिट्टी को एक लेवल में ला दिया गया है और इसके बाद अभी और मिट्टी को डाला जाएगा। फिलहाल हम चल रहे हैं इस एक्सप्रेसवे की सर्विस लाइन पे, और ये कुछ पीछे का इस तरह से नज़ारा है जो भी कुछ काम चल रहा है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ और देखते हैं क्या कुछ बदला है, और साथ ही मैं जो पुरानी वीडियो है वो भी साइड में चला दूंगा ताकि आप लोग समझ पाएँ कि लास्ट टाइम से इतना कुछ चेंज हुआ है अभी काम में। तो बने रहिए वीडियो मेरे साथ, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे मिट्टी को डाला गया है और यहाँ पे बनाया जा रहा है एक मेन होल जिसके थ्रू जो भी पानी वगैरह होगा वो यहाँ से इसके थ्रू निकाला जा सकेगा, और अभी और मिट्टी को यहाँ पे डाला जाना बाकी है। फिलहाल यहाँ पे इसको लेवल कर दिया गया है, और इस एक्सप्रेसवे की जो डेडलाइन है वो 2024 की दी गई है, तो फिलहाल देखना होगा कि कंप्लीट हो पाता है नहीं। वैसे जिस हिसाब से काम चल रहा है तो आराम से ही कंप्लीट हो जाएगा, और आगे बन रहा है एक अंडर पास, और साथ ही यहाँ पर सीवर लाइन को बिछाने का काम भी चल रहा है। और अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर राइट हैंड में एक मशीन द्वारा मिट्टी को लेवल भी किया जा रहा है, और यहाँ पर एक सीवर लाइन भी डाली जा रही है। यहाँ पे सॉरी एक मेन होल है फिर से अगेन, ये कोई अंडर पास नहीं है, और यहाँ पर अभी मिट्टी को भी डाला जाना बाकी है। यहाँ फिलहाल कुछ अभी ऐसा अपडेट नहीं है, वैसे यहाँ पे मिट्टी को डालना के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मुश्किल से इसमें 1 से 2 हफ्ते के अंदर इसको पूरा भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर मिट्टी अभी नहीं डली है, क्योंकि अभी मैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे मैं देख रहा था कि 1 हफ्ते पहले वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन अभी उन्होंने एकदम से उसको ऐसा लेवल किया है, इतनी मिट्टी डाल दी है कि खाली एक अंडर पास बनाने की ज़रूरत है अभी, और वो उसके ऊपर से क्रॉस कर जाएगा, मतलब जो खरखोदा रोड है उसके ऊपर से आराम से क्रॉस कर जाएगा। हालांकि कुछ मिट्टी डाली हुई है यहाँ पर भी,
और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगा। और यहाँ भी फिलहाल के लिए तो मिट्टी को डालकर उसको समतल कर दिया गया है, उसको लेवल कर दिया गया है। और आगे बन रहा है एक और अंडरपास, जो कि गांव को रास्ता देने के लिए बनाया जाता है नॉर्मली। और इसके ऊपर से ही जो हमारा ये एक्सप्रेस है, गंगा एक्सप्रेस है, इसके ऊपर से होकर जाएगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या कुछ हाइट एक्सप्रेस वे की होने वाली है ग्राउंड लेवल से। तो देखते हैं कितना कुछ काम हो चुका है इस अंडरपास में। चलते हैं जल्दी से इस अंडरपास की तरफ। वैसे पिछली बार के मुकाबले तो यहाँ पर काफ़ी प्रोग्रेस है, क्योंकि लास्ट वीडियो में जब मैं यहाँ पर आया था तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर इन सरिया को भी लगा दिया गया है यहाँ पे, और जो इसकी फर्स्ट स्टेप होती है उसको भी बनाकर रेडी कर दिया गया है। हालांकि लास्ट वीडियो में इसको अच्छी तरह कैप्चर नहीं कर पाया था, क्योंकि तभी ये इतना कुछ काम था नहीं। और यहाँ पर भी मिट्टी को डाल दिया गया है। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें भी काफ़ी फ़र्क है, और यहाँ पर भी मिट्टी को डाला गया है, जो ऑलरेडी पहले से ही इसको लेवल कर दिया गया था, लेकिन इसके ऊपर से एक बार और मिट्टी को डाला जा रहा है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि एक बार उसके ऊपर मिट्टी को डाल के उसको समतल करने के बाद दोबारा से उसके ऊपर मिट्टी को डाला जाता है, ताकि उसके ढहने का खतरा कम से कम रहे। और यहाँ पर भी और मिट्टी को डाल के उसको फैला दिया गया है फिलहाल के लिए, और मशीनों के द्वारा इनको एक फिर से लेवल किया जाएगा। और इस जगह पर तो काफ़ी हाइट तक मिट्टी को डाल दिया गया है, और शायद इसकी जो प्रीवियस वीडियो है, जो एक्चुअल जो करंट लोकेशन है, वो फ़िलहाल अभी मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई ख़ास लोकेशन यहाँ है नहीं जिसके थ्रू मैं देख के अंदाज़ा लगा सकूं कि क्या लोकेशन है ये। बट फिलहाल के लिए आप अलग से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, फिलहाल ही यहाँ पर काम किया गया है, क्योंकि ऊपर से इस मिट्टी को फिर से लेवल किया गया है आगे तक, और यहाँ पर साथ में ट्रैक्टर के द्वारा इस पर पानी भी छिड़का जा रहा है, ताकि धूल मिट्टी कम से कम उड़े। और अभी एक और अंडरपास यहाँ पर बनाया जाना बाकी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सामने एक रोड है, जो कि जिसके ऊपर से इस एक्सप्रेसवे गुजारा जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये पैच खाली है। जब यहाँ पर इसके लिए वो पिलर्स वगैरह बना दिए जाएंगे जिसके ऊपर से एक्सरे गुजरेगा, जिसको यहाँ से क्रॉस करते हुए रोड के उस तरफ जाएगा, बाकी यहाँ पर मिट्टी को अच्छे से डाल दिया गया है, और काम काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और आगे भी मैं देख पा रहा हूँ कि एक और अंडरपास बनाया जा रहा है, शायद ये ऑलमोस्ट कम्प्लीट ही है, और इसी के ऊपर से एक्सप्रेसवे होकर आगे जाएगा इस रोड को क्रॉस करते हुए। तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी, उस वीडियो में इस अंडरपास को आधा बना दिया गया था, और अभी इसको ऑलमोस्ट पूरा ही कंप्लीट कर दिया गया है। मैं इसकी जो पुरानी वीडियो और जो इमेजेस होंगी वो दिखा दूंगा आपको स्क्रीन पे, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, बट फिर भी इस पर काफ़ी स्पीड के साथ काम चल रहा है, और यहाँ पर भी अभी और मिट्टी को डाला गया है। और अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि यहाँ पर राइट हैंड में अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक मेन होल बनाया जा रहा है, जो कि शायद लास्ट टाइम यहाँ पर नहीं था, सर ये यहाँ पर लगा दिए गए हैं। और यहाँ पर अभी मिट्टी को भी डाला जाना बाकी है। वैसे यहाँ पर इस तरफ मिट्टी को डाला गया है, लास्ट टाइम यहाँ पर ये मिट्टी यहाँ पर डली हुई नहीं थी, और इसको अच्छे से मिला भी दिया गया है। हालांकि
हालांकि अभी सिर्फ ये एक ही तरफ का काम किया गया है, सिर्फ लेफ़्ट साइड में ही मिट्टी को डाला गया है, राइट साइड में अभी ऐसा कुछ नहीं है। और आगे भी अगर आप ये एरिया देख पाएँ तो यहाँ भी अभी सेम ही कंडीशन है जो लास्ट टाइम थी। मैं वीडियो में भी दिखाऊँगा आपको, क्योंकि यहाँ पर भी एक अंडरपास को बनाया जाएगा, अगर आप देख पाएँ तो ये एक रास्ता है, तो इसी वजह से यहाँ पर अभी काम स्लो है। और फिलहाल यहाँ पर मिट्टी को डाला गया है फिर से, तो अभी तो सेम प्रोसेस रिपीट हो रही है। बट ये कुछ नया है कि यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ काम चल रहा है, मशीनों को लगाया गया है ताकि मिट्टी को फिर से रोल करके उसको समतल बना दिया जाए और मिट्टी को अच्छे ठोस करके और मिट्टी को डाला जाएगा इसके ऊपर। अब और यहाँ पर भी काफ़ी स्पीड से काम को किया गया है, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैं यहाँ पर आया था तब यहाँ पर इस तरह कुछ नहीं था, मतलब मिट्टी को यहाँ पे मिलाया गया है अच्छे से, उसको एक लेवल किया गया है। और वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करने वाला हूँ, तो इसका सेकेंड पार्ट जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप नेक्स्ट अपडेट मिस ना करें। और आगे ही कुछ बाग आ गए हैं जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी दिखाए थे, अभी देखा जाना है कि ये एक्सप्रेस वे किस तरह से यहाँ से आगे जाएगा। वैसे मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से इन बागों को हटाया जाएगा, क्योंकि ये गाँव का एक रास्ता है, तो ये पूरा रास्ता तो यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जा सकता, तो शायद ये इसके लेफ्ट से ही, इस रोड के लेफ्ट से जाएगा। और यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जिसकी वीडियो बनाने के लिए फ़िलहाल मैं यहाँ रुक गया था। और ये कुछ एक 360 व्यू है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे क्या कुछ कंडीशन है। और फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कर देना।